जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोग सामने वेस्पर थियरी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं VSEPR थियरी। इसे कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसके बारे में सबसे पहले गिलेस्पी और आरएस नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने 1957 में अपने विवेचना प्रस्तुत की थी और अपने विचारों को प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इस थियरी का पहले पूरा नाम समझ जाइए। इस थियरी का पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यह सारा का सारा माजरा रिपल्सन पे टिका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे के सारे चेंजेज होंगे, जो भी बातें आएंगी वो रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मैंने कहा कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, याद रखिएगा, गिलेस्पी एंड आरएस नाइहोम 1957। इसके 100 साल पहले एक विशेष घटना भारत में घटी थी, सभी लोगों को याद होगा 1857, जिसे हम भारत की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पहली क्रांति 1857। 1957 यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात की गई और यहाँ पे बताया गया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता क्या है। यह कहता है कि किसी परमाणु या किसी यौगिक की जो ज्यामिति संरचना होगी वह निर्भर करेगी कि अगर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो उसकी ज्यामिति संरचना जो होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री वाली नहीं होगी, उसकी ज्यामिति संरचनाओं में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे बात समझिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहता है कि वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण, सीधे से मतलब है वाय कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, यानी जो वाय कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उनके कारण प्रतिकर्षण देखने को मिलेंगे और उस प्रतिकर्षण के कारण जो ज्यामिति संरचना होगी वो निश्चित नहीं होगी, यानी संरचना में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ती है रिपल्सन उतना ही बढ़ता है। जैसे अब मैं बता दूं कि यहां पर जब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करते हैं, यह याद रखिएगा, यह सिद्धांत यौगिकों में संकरण के दौरान उनकी सामान्य या नियमित संरचनाओं में होने वाले अनियमितताओं को परिभाषित करता है। यह सिद्धांत यौगिकों में संकरण के दौरान उनकी सामान्य नियमित संरचना में होने वाले अनियमितताओं को परिभाषित करता है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में लीजिए कि जब sp3 हाइब्रिडेशन यानी sp3 संकरण की बात करते हैं
तो सामान्य सामान्य ज्यामिति इसकी चतुष्फलकी होती है। क्या होती है? चतुष्फलकी होती है। लेकिन यहीं पे कुछ और आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां सामान्य ज्यामिति नहीं होगी, यहां अनियमितता देखने को मिलेगी, अनियमित हो जाएंगे। और अनियमित जो संरचना होगी, इस संरचना में त्रिकोणीय पिरामिड, यही कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखने को मिलेंगे, अनियमित ज्यामिति होगी। और ये होंगे वेंट या वी शेप, और बाण निगम में भी चेंजे देखने को मिलेंगे। त्रिकोणी पिरामिड में बल कोण 107.5 डिग्री होगा, कहीं कहीं 160 डिग्री भी देखने को मिलता है, 160 डिग्री होगा, जबकि वी शेप में 104.5 डिग्री संचार। वही चतुष्फलकी में 109 डिग्री 28 मिनट संरचना देखने को मिलेगी। यानी यहां देखना देखने को क्या मिल रहा है कि वैश्विक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी यौगिक में संग्रह का उचित सामान्य निमित संरचना में होने वाली भिन्नताओं, उसके बंद कोण में होने वाले परिवर्तन परिभाषित करता है, तथा बंद कोणों में परिवर्तनों को भी बताता है। भाई बंद कोण में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ज्यामिति संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये सारे चेंजेस किसके कारण हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के कारण। इसलिए इस सिद्धांत को वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहा जाता है। कारण क्या है? इसमें बताया गया था, गिलेस्पी और नाइलहोम ने कहा था कि बॉन्ड पेयर जो होता है वहां रिपल्शन कम देखने को मिलेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो होगा वहां रिपल्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, और लोन पेयर जो होगा वहां रिपल्शन और भी अधिक बढ़ जाएगा। अब यही चतुष्फल की sp3 संरचना के तीन एग्जांपल यहां मैं आपको बता रहा हूं, sp3 आवेशन के, ध्यान दीजिएगा। और इनका जो क्रम था वो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर युग्म प्रतिकर्षण का क्रम सीधा संभव है, ऑर्डर आप इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये भी कर सकते हैं ऊर्जा इलेक्ट्रॉन युग्म के ऊर्जा का क्रम। अब इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड पेयर इसे बॉन्ड पेयर कहने पर कि बंद युग्म बॉन्ड पेयर बंद युग्म बंद युग्म इज लेस देन बॉन्ड पेयर लोन, यानी बंद युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म और लास्ट लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म। CH4 की संरचना देख लीजिए, इसकी नियमित ज्यामिति की संरचना देखने को मिलेगी, रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, अमोनिया कोष के केस में
एक लोन पेयर के कारण तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे रिपल्सन के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण प्रतिकर्षण होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे रिपल करेंगे, तो धकेलने के कारण ये बॉन्ड होगा वो ये नीचे की तरफ दोनों शिफ्ट कर जाएंगे। यानी जब ये नीचे की तरफ इसको रिपल कर रहा है तो ये अब इसकी संरचना जो होगी पहले वाले की टेट्राहेड्रल, अब दूसरे वाले की ट्राइगोनल पिरामिडल, इसे त्रिकोणीय पिरामिड ही कहते हैं। और यहीं पे H2O की संरचना की अगर हम बात कर लें तो यहां दो लोन पेयर की उपस्थिति हो जाती है और ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये संरचना होती है वी शेप। देख करके भी आपको पता चल रहा होगा कि ये संरचना चतुष्फलकीय है। यहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यहां बॉन्ड एंगल 160 डिग्री और यहां बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री देखने को मिलता है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। यहां वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कह रहा है कि जब केंद्रीय परमाणु पे लोन पे इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा, यानी वहां पे लोन पेयर नहीं होंगे तो वहां कोई रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे न्यून रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन देखने को मिलेगा और सबसे अधिक रिपल्सन लोन पेयर देखने को मिलेगा। एक बात याद रखिएगा कि लोन इंक्रीजिंग लोन पेयर डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल, याद रखिएगा जब लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यही देखिए CH4 के केस में कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री एक, और यही पे NH3 के केस में एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल 160 डिग्री और H2O के केस में दो लोन पेयर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, यानी लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। एक कांसेप्ट याद रखिएगा इंक्रीजिंग लोन पेयर डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल, अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये लोन पेयर के कारण इसकी संरचनाएं क्या होंगी बदल गई, इन संरचनाओं में परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिले, इसलिए इस सिद्धांत को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये sp3 sp2 sp3d sp3d2 sp3d3 टाइप्स की जो ज्यामिति संरचना जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जो इसकी नियमित संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन्हें परिभाषित करने के लिए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई उस सिद्धांत को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में गैलेस्की और आर.एस. नाइहम ने 1957 बताया और ये क्या करता है, इन्होंने अपने इस कांसेप्ट में बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन युग्म की ऊर्जा का ये क्रम जो है जो अभी यहां मैंने बनाया है, याद रखिएगा कि ये बढ़ता क्रम है, कैसा क्रम है बढ़ता क्रम है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें देखने को मिलेगी लोन पेयर और सबसे कम ऊर्जा किसमें बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर में एनर्जी सबसे कम, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में थोड़ी अधिक और सबसे अधिक लोन पेयर में देखने को मिलेगी। यही आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है जिसके बारे में इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी प्रस्तुति दी थी और आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।